Hello students, in this class we are going to talk about the revolutionary nationalism and the politics of World War First. So when Swadeshi movement started declining around 1907-1908 and after the end of that Swadeshi movement, some youth of India, they turned towards violent means of a struggle. They took to arms and ammunitions and they started killing the Britishers. They wanted to kick the Britishers out of India as quickly as it was possible using active resistance or using arms and ammunitions and killing of the Britishers. इस चर्चा में आज की चर्चा में हम लोग क्रांतिकारी राष्ट्रवाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्रांतिकारी राष्ट्रवाद पर डिस्कशन करने जा रहे हैं और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को डिस्कस करने में इसको अगर हम लोग दो चरणों में बांट लें तो ये ज्यादा बेहतर तरीके से हम लोग इस पर चर्चा कर पाएंगे. तो एक चरण हमने बनाया, प्रथम चरण इसको ले लिया और एक द्वितीय चरण. आप देखेंगे कि क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रथम चरण 1908 से 1912 के बीच सशक्त रूप से चला. ऐसा नहीं है कि क्रांतिकारी गतिविधियां 1908 के पहले नहीं चल रही थी. क्रांतिकारी गतिविधियां 1902 से ही लगातार चल रही थी. छिटपुट घटनाएं, छिटपुट वारदातें लगातार चल रही थी, लेकिन 1908 से 1912 के मध्य क्रांतिकारी गतिविधियों का उबाल जैसा आ गया हो और सैकड़ों युवा वो हिंसक वारदातों को अंजाम देने लगे और अंग्रेजों को टारगेट करने लगे, अंग्रेजों को मारने लगे. तो जरूर इसके पीछे कोई कारण रहा होगा, इसकी पृष्ठभूमि रही होगी कि क्यों आखिर 1908 के आसपास ही क्रांतिकारी गतिविधियों में तेजी देखने को मिली और क्रांतिकारी गतिविधियां इन्हें इसलिए भी, इन गतिविधियों को इसलिए भी क्रांतिकारी गतिविधियां कह रहे हैं कि ये युवा राष्ट्रवादी, क्रांतिकारी राष्ट्रवादी, ये एक्टिव रेजिस्टेंस या हिंसात्मक वारदातों को अंजाम देते हुए अंग्रेजों को आतंकित करके भारत से जितना जल्दी संभव हो सके उतना जल्दी भगा देना चाहते थे. तो 1908 में स्वदेशी आंदोलन का पतन होता है, डाउनफॉल ऑफ द स्वदेशी आंदोलन एंड रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज वायलेंट मीन्स ऑफ स्ट्रगल गेन्ड इम्पीटस. ठीक है, तो ये दो घटनाएं, स्वदेशी आंदोलन का पतन और क्रांतिकारी गतिविधियों में तेजी, ये दोनों में कोई ना कोई अंतर संबंध जरूर बैठता है. बिल्कुल वैसे ही जैसे क्रांतिकारी गतिविधियों का द्वितीय चरण असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद दिखाई देता है कि 1920 पहली अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया और यह आंदोलन अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित यह आंदोलन एक सशक्त आंदोलन था जो 5 फरवरी 1922 तक चलता रहा. और 5 फरवरी 1922 को एक घटना घटी जब असहयोग आंदोलन ने हिंसात्मक रुख अख्तियार कर लिया, हिंसात्मक मोड़ ले लिया और गोरखपुर के चौरी चौरा गांव में सत्याग्रहियों के एक दल ने, जिनका नेतृत्व भगवान दास कर रहे थे, उन्होंने 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया. एक थाने में आग लगा दी जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए, जिसके बाद गांधी जी इस घटना से बड़े क्षुब्ध हुए, बड़े आहत हुए, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया था, असहयोग आंदोलन जब प्रारंभ किया था तो ही कह दिया था कि उन्हें हिंसा की एक छोटी सी छोटी वारदात भी नहीं चाहिए होगी आंदोलन के दौरान, जबकि हिंसा हो चुकी थी. और 5 फरवरी 1922 को तुरंत ही जैसे ही गांधी जी को खबर मिली कि चौरी चौरा में असहयोग आंदोलन ने हिंसात्मक मोड़ ले लिया है, गांधी जी ने तुरंत ही आंदोलन के वापसी की घोषणा कर दी. सो ऑन 1 अगस्त 1920 अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड एंड NCM or non-cooperation movement was conducted with full pace till 5th of February 1922. And on 5th of February 1922, the non-cooperation movement took a violent turn. And when a group of Satyagrahis led by Bhagwan Das
at Chauri Chaura village in Gorakhpur, when they were provoked by some policemen, they set the police station on fire and they burned 22 policemen alive. Gandhiji was left very much disappointed by this act of violence, while he had repeatedly warned the Satyagrahis for not to be involved in any kind of violent struggle or violent activities. So he decided to withdraw the non-cooperation movement. And once the non-cooperation movement was withdrawn, youths of India, they lost their faith in the non-violent means of a struggle and the nationalist strategy, and they took to violent means of a struggle based on active resistance. So again, after 1922, revolutionary activities gained impetus or started increasing. तो असहयोग आंदोलन की वापसी और क्रांतिकारी गतिविधियों में तेजी, इनमें भी आपस में अंतर संबंध जरूर है, ठीक है? तो आगे हम ये देखते हैं कि प्रथम चरण, इस लाइन ग्राफ के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि इंटेंसिटी, यहां पे हमने लिखा हुआ है इंटेंसिटी ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है ना, स्वदेशी के स्वदेशी आंदोलन की तीव्रता, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन की तीव्रता 1905 में प्रारंभ हुआ स्वदेशी आंदोलन, 7 अगस्त 1905 में प्रारंभ हुआ स्वदेशी आंदोलन 1908 के मध्य तक चला, और 1908 के मध्य में, जैसा कि आप इस लाइन ग्राफ में देख पा रहे हैं, कि 1908 के मध्य तक आते आते स्वदेशी आंदोलन की ऊर्जा समाप्त हो चुकी थी और समाप्त हो चली थी, और एक राजनैतिक शून्यता, पॉलिटिकल वैक्यूम या राजनैतिक शून्यता की स्थिति बनी, और राजनैतिक शून्यता की इस स्थिति में युवा वर्ग ने इस राजनैतिक शून्यता को, पॉलिटिकल वैक्यूम को भरने की कोशिश की. सो द यूथ्स ऑफ इंडिया, दे जस्ट वांटेड टू कवर अप, दे जस्ट वांटेड टू फुलफिल द पॉलिटिकल वैक्यूम दैट हैड बीन क्रिएटेड आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट. और उन्होंने जिस राह को चुना, वो राह एक्टिव रेजिस्टेंस थी या सक्रिय विरोध. एक्टिव रेजिस्टेंस यहां पे देख पा रहे हैं, एक्टिव रेजिस्टेंस या सक्रिय विरोध. एक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब यहां पे है हिंसात्मक गतिविधियां, जबकि प्रतिरोध राष्ट्रीय आंदोलन में दो तरीके से किया गया, पैसिव रेजिस्टेंस और एक्टिव रेजिस्टेंस. पैसिव रेजिस्टेंस यहां पे आप देख रहे हैं, पैसिव रेजिस्टेंस और एक्टिव रेजिस्टेंस. तो पैसिव रेजिस्टेंस का मतलब देखिए क्या होता है. पैसिव रेजिस्टेंस का अर्थ हुआ आत्मबल पर आधारित प्रतिरोध, जो कि अहिंसात्मक हो, जिसमें हिंसा के लिए कोई जगह नहीं हो. तो नॉन वायलेंट स्ट्रगल बेस्ड ऑन सोल फोर्स, एंड दिस वाज मेनली अडॉप्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. पैसिव रेजिस्टेंस, और पैसिव रेजिस्टेंस जो वास्तव में बड़े पैमाने पर कांग्रेस ने अपना रखा था, जबकि हमारे क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने एक्टिव रेजिस्टेंस का सहारा लिया था. और एक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब होता है वायलेंट मीन्स ऑफ स्ट्रगल. सो दे वर द रिवोल्यूशनरीज, एंड यूजिंग वायलेंट मीन्स ऑफ स्ट्रगल दे वॉन्टेड टू किक द ब्रिटिशर्स आउट ऑफ इंडिया एज क्विकली एज इट वॉज पॉसिबल. तो अब सवाल यह उठता है कि इस राजनीतिक शून्यता को भरने की युवा वर्ग ने जब कोशिश की, तो उन्होंने हिंसात्मक गतिविधियों का रास्ता क्यों चुना, ठीक है? और यह राजनीतिक शून्यता की स्थिति उत्पन्न कैसे हुई? तो देखिए, जितने बड़े नेता थे उस वक्त, चाहे वो बाल गंगाधर तिलक हो, लाला लाजपत राय हो, अजित सिंह हो, तो या फिर अरविंदो घोष हो, तो तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने अपने न्यूज़पेपर में एक लेख लिखा, और उस लेख पर, उस लेख को आधार बनाकर अंग्रेजी सरकार ने बाल गंगाधर तिलक पर ताजिराते हिंद की दफा 124A के तहत मुकदमा ठोक दिया, ठीक है ना, इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 124A. तो तिलक पे मुकदमा चला,
जस्टिस दावर की अदालत, और जस्टिस दावर की अदालत में तिलक को 6 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई. सो तिलक वॉज गिवेन 6 ईयर्स ऑफ रिगरस इंप्रिजनमेंट. ठीक है, तिलक वॉज अवॉर्डेड 6 ईयर्स ऑफ रिगरस इंप्रिजनमेंट अंडर सेक्शन 124A, सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पिनल कोड. ताजिराते हिंद की दफा 124A के तहत तिलक को 6 वर्ष कैदे बामशक्कत की सजा सुनाई गई और उन्हें मुख्य ब्रिटिश भारत से हटा दिया गया, और मुख्य ब्रिटिश भारत से हटाकर उन्हें म्यांमार के मांडले जेल भेज दिया गया. सो तिलक वॉज गिवन 6 ईयर्स ऑफ रिगरस इंप्रिजनमेंट एंड ही वॉज डिपोर्टेड टू मांडले जेल ऑफ म्यांमार एंड ही लिव देयर, ही रिमेन देयर फॉर द नेक्स्ट 6 ईयर्स वेल ही रिटर्न बैक टू इंडिया ओनली इन 1914. And another important, another prominent leader of second phase of Indian National Movement, Lala Lajpat Rai from Punjab and his associate Ajit Singh, uncle of Bhagat Singh. So Lala Lajpat Rai और अजीत सिंह को देश निकाला की सजा सुनाई गई और वे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चले गए. सो लाला लाजपत राय एंड अजीत सिंह दे वर एक्सपेल्ड आउट ऑफ इंडिया एंड दे वेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. वेल अनदर प्रोमिनेंट लीडर अरविंदो घोष, ठीक है, अरविंदो घोष टुक संन्यास फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स. एक्टिव पॉलिटिक्स, सक्रिय राजनीति से अरविंदो घोष ने संन्यास ले लिया. वास्तव में वे दार्शनिक थे, मूल रूप से दार्शनिक थे, राजनेता नहीं थे, और थोड़े समय के लिए उन्होंने स्वदेशी आंदोलन में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित किया था. और जब एक बार स्वदेशी आंदोलन का पतन हो गया तो अरविंदो घोष ने यह निर्णय लिया कि वो सक्रिय राजनीति छोड़कर पांडिचेरी चले जाएंगे. तो वो पांडिचेरी चले गए और वहीं अपने फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट के काम को आगे बढ़ाया. जबकि आपको याद होगा कि सैयद हैदर रजा, जिन्होंने दिल्ली में स्वदेशी और बहिष्कार के कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाया, जबकि चिदंबरम पिल्लई ने मद्रास में और हरि सर्वोत्तम राव ने आंध्र में स्वदेशी आंदोलन और स्वदेशी और बहिष्कार के कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाया था, इन तीनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया. सो दे वर अरेस्टेड एंड दे वर केप्ट, दे वर पुट बिहाइंड द बार्स. So in this manner, in this way, entire national movement was left leaderless. Okay, so हम लोग कैसे लिख सकते हैं? National movement was left leaderless. तो national movement leaderless हो गया, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन नेतृत्व विहीन हो चला. और एक बार जब राष्ट्रीय आंदोलन नेतृत्व विहीन हुआ तो राजनीतिक शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो गई. जबकि इसके पहले 1907 में कांग्रेस का सूरत विभाजन हो चुका था, सूरत स्प्लिट ऑफ द कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी का सूरत विभाजन. क्यों हुआ था? आपको याद होगा कि our moderate leaders, they were not willing to extend the ideas of Swadeshi and boycott out of the boundary of Bengal province, because the problem was related with Bengal. While extremist leaders, they wanted to spread the ideas of Swadeshi and boycott out of Bengal and wanted to provide an all India character. So Tilak took the ideas of Swadeshi and Bahishkar to Bombay and Pune, Lala Lajpat Rai and Ajit Singh to Punjab, Hari Sarvottam Rao to Andhra, Chidambaram Pillai to Madras, and Sayyid Haider Raza to Delhi. So on account of this factor, they started quarreling among each other, and eventually at Surat in 1907, when annual session of the Congress was convened, moderate leaders, they decided to kick the extremist out of the Congress. So 1907 में
कांग्रेस का जब वार्षिक अधिवेशन सूरत में बुलाया गया तो सूरत वार्षिक अधिवेशन में जूतम पैजार हो गई थी, झगड़ा हो गया था कांग्रेसियों में इस बात को लेकर के झगड़ा कि स्वदेशी और बहिष्कार के नारे को कार्यक्रम को बंगाल तक सीमित रखना चाहिए क्योंकि मुद्दा बंगाल से संबंधित था, जबकि गरमपंथी नेता इस बात पर अड़ गए थे कि वो स्वदेशी और बहिष्कार के कार्यक्रमों को संपूर्ण भारत में फैलाएंगे और आंदोलन को अखिल भारतीय चरित्र प्रदान करेंगे। इसी बात पे लड़ाई हो गई, जूतम पैजार हो गई, तकरार हो गई और नेतृत्व नरमपंथियों के नेतृत्व में यह निर्णय लिया कि वो गरमपंथियों को कांग्रेस से निकालकर बाहर कर देंगे। सो इवेंचुअली ऑल द एक्सट्रीमिस्ट वर किक्ड आउट ऑफ द कांग्रेस एंड नेशनलिस्ट रैंक केम टू बी डिवाइडेड, राष्ट्रीय नेतृत्व विभाजित हो गया। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि गर्मपंथी नेता क्रांतिकारियों की तारीफ बहुत करते थे, उनके त्याग, उनके साहस, उनके अदम्य बलिदान की तारीफ करते थे, परंतु उन्हें यह नहीं सिखा पाए कि छिटपुट लड़ाई और संगठित होकर के लड़ाई लड़ने में जमीन आसमान का फर्क होता है। आप छिटपुट छिटपुट लड़ाई लड़िए और एक मिल करके लड़िए, एक होकर के लड़िए, तो दोनों की तीव्रता में फर्क आ जाता है। तो एक यहां भी समस्या आ रही और इसी वजह से आप देखेंगे कि मिड 1908 के आसपास से क्रांतिकारी गतिविधियों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली, जबकि क्रांतिकारी गतिविधियां 1908 के पहले से भी चल रही थी। जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि पहला क्रांतिकारी दल 1902 में मिदनापुर बंगाल में ज्ञानेंद्रनाथ बसु ने स्थापित किया था, जबकि अनुशीलन समिति की स्थापना प्रमोद मित्र ने की थी, है ना, अनुशीलन समिति। ये क्रांतिकारियों के गुप्त संगठन थे, अनुशीलन समिति प्रमोद मित्र, ठीक है। और अनुशीलन समिति की स्थापना जब प्रमोद मित्र ने 1907-1908 में की थी तो ये ज्यादा शुरुआती दौर में ये ज्यादा लोकप्रिय नहीं थी और इसके कार्यक्रमों में ये था कि सदस्यों को कसरत वगैरह कराया जाए, शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाए। अनुशीलन समिति के अतिरिक्त एक अन्य समिति लोकप्रिय हुई, युगांतर समिति, ठीक है ना, युगांतर समिति को लोकप्रियता मिली और युगांतर समिति की स्थापना भूपेंद्रनाथ दत्ता और बारिंद्र घोष ने 1906 में की थी। युगांतर समिति 1906, भूपेंद्रनाथ दत्त एंड बारिंद्र घोष, जबकि एक अन्य क्रांतिकारी हेमचंद कानूनगो, हेमचंद कानूनगो ने तो जनवरी 1908 में माणिकतल्ला बंगाल में सीधे बम बनाने का एक जगह, एक कारखाना ही विकसित कर दिया, हालांकि जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और एक अदम्य साहस और वीरता का परिचय अप्रैल 1908 में दिया गया जब दो क्रांतिकारियों प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के बदमाश कुख्यात जज किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया लेकिन असफल रहे। सो इन द मंथ ऑफ अप्रैल 1908 आवर रिवोल्यूशनरीज, टू रिवोल्यूशनरीज, प्रफुल्ल चाकी एंड खुदीराम बोस, दे ट्राइड टू किल नोटोरियस जज ऑफ मुजफ्फरपुर नेम्ड किंग्सफोर्ड, बट दे रिमेन्ड अनसक्सेसफुल व्हाइल प्रफुल्ल चाकी शॉट हिमसेल्फ डेड एंड खुदीराम बोस, अ यंग लैड ऑफ नॉट मोर देन 16 or 17 ईयर्स परहैप्स, खुदीराम बोस वॉज अरेस्टेड, ट्राइड एंड ही वॉज गिवेन डेथ सेंटेंस। सो प्रफुल्ल चाकी, उन्होंने खुद को गोली मार ली और जबकि खुदीराम बोस गिरफ्तार हुए, उन पे मुकदमा चला और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, जबकि मर्डर नहीं हुआ था, ये अटेम्प्ट टू मर्डर में काउंट हो रहा था फिर भी। और 1904 में इन गतिविधियों के पहले विनायक दामोदर सावरकर ने, क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर ने क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन बनाया था अभिनव भारत, एज अ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरीज। और सबसे हिम्मत का काम 1912 में देखने में आया जब दो क्रांतिकारियों रास बिहारी बोस और सचिन नाथ सान्याल ने ब्रिटिश भारत के वॉयसरॉय हार्डिंग्स को मारने का प्रयास किया परंतु हार्डिंग बच गया। इन 1912 रास बिहारी बोस एंड सचिन नाथ सान्याल, आवर टू रिवोल्यूशनरीज, दे ट्राइड
to kill the viceroy of the British India, Hardings, but this attempt was unsuccessful. ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 1911-1912 तक आते आते क्रांतिकारी गतिविधियों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली। इस लाइन ग्राफ पे हम यही समझ पा रहे हैं कि क्रांतिकारी गतिविधियों में तेजी आई, क्रांतिकारी गतिविधियों में तेजी आई, और 1909-1910-1911 में खूब तेजी हुई, और 1912-13-14 में होते होते ये क्रांतिकारी गतिविधियां कमजोर पड़ने लगी, समाप्त होने लगी, क्योंकि ज्यादातर क्रांतिकारी जो छिटपुट वारदातों में संलग्न थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया या गोलियों से मार दिया गया। जो लोग गिरफ्तार किए गए उन्हें लंबी लंबी सजाएं दी गई, किन्हीं को आजीवन कारावास, किसी को 16 वर्ष की सजा, और उन्हें अंडमान और निकोबार के सेलुलर जेल्स में भेज दिया जाता था जहां उन्हें भयानक यातनाएं दी जाती थी। तो ये क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रथम चरण काउंट होता है, और हमने क्रांतिकारी गतिविधियों का द्वितीय चरण भी देखना है। तो 1924 से 1934 के बीच में क्रांतिकारी गतिविधियों का द्वितीय चरण चला, और यहां पर भी जब क्रांतिकारी गतिविधियों का द्वितीय चरण इसने जोर पकड़ा तो हम देखते हैं, इस लाइन ग्राफ से हम समझ सकते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यहां पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के इंटेंसिटी को दिखाया गया, तीव्रता को दिखाया गया है, कि 1920 से प्रारंभ हुआ, 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ हुआ असहयोग आंदोलन 5 फरवरी 1922 तक चला, और पूरे वेग से चला, और 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा गोरखपुर में असहयोग आंदोलन ने हिंसात्मक मोड़ ले लिया, और जब सत्याग्रहियों के एक दल ने, जिनका नेतृत्व भगवान दास कर रहे थे, उन्होंने एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी जिसमें 22 पुलिस वाले जिंदा मर गए, जबकि गांधी जी इस हिंसात्मक घटना से बड़े क्षुब्ध हुए क्योंकि उन्होंने पहले ही यह कह रखा था सत्याग्रहियों को कि उन्हें आंदोलन के दौरान, आंदोलन के पूर्व या बाद में किसी भी प्रकार की हिंसा की एक छोटी सी छोटी वारदात भी नहीं चाहिए, और यहां हिंसा की एक बड़ी वारदात हो गई थी। तो गांधी जी ने तुरंत ही असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय कर लिया और अपना निर्णय लोगों को सुना दिया कि अब असहयोग आंदोलन आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, और भारत के युवा वर्ग उस वक्त जो असहयोग आंदोलन में शामिल हमारे युवा थे, उन्हें यह प्रतीत हुआ एक बारगी कि अब अहिंसात्मक वारदातों से अहिंसा के रास्ते पर, सत्याग्रह के रास्ते पर चलकर हम आजादी की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, हम संघर्ष नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने हिंसात्मक रास्ता पकड़ लिया, और यहां पर भी पृष्ठभूमि में राजनीतिक शून्यता ही काम कर रही है, पॉलिटिकल वैक्यूम, देखिए पॉलिटिकल वैक्यूम काम कर रहा है, राजनीतिक शून्यता की स्थिति, क्योंकि असहयोग आंदोलन की समाप्ति, क्या ना, असहयोग आंदोलन की समाप्ति के समय, जब समाप्ति क्या, जबकि वापस लिया गया था असहयोग आंदोलन को, तो असहयोग आंदोलन को वापस लिया जाना, और उसके अतिरिक्त अब देखिए विकल्प क्या बचे। जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया तो हमारे युवाओं के सामने विकल्प क्या रह गए, ठीक है, तो अब दो विकल्प रह गए। पहला विकल्प ये कि युवा वर्ग रचनात्मक कार्य करें, कंस्ट्रक्टिव वर्क्स करें, रचनात्मक कार्य करें। अब रचनात्मक कार्य का अर्थ यहां पे क्या है कि छुआछूत के निवारण का प्रयास करें, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का निवारण करें, हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए कार्य करें, महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करें, ताकि बड़ी संख्या में महिलाओं को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा जा सके।
अगर महिलाएं राष्ट्रीय आंदोलन से ना जुड़ती तो राष्ट्रीय आंदोलन आधा रहता ना, क्योंकि किसी भी समाज की जनसंख्या का आधा हिस्सा स्त्रियां होती हैं, और अगर स्त्रियां राष्ट्रीय आंदोलन में ना आती तो राष्ट्रीय आंदोलन तो आधा अधूरा रह जाता। तो वुमेन एम्पावरमेंट, एमेंसिपेशन ऑफ वुमेन एंड वुमेन एम्पावरमेंट, स्त्री मुक्ति और स्त्री महिला सशक्तिकरण के भी प्रयास किए जाते थे। तो एक विकल्प यह भी था कि वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करें। चौथा रचनात्मक कार्य में यह भी था कि चरखा चलाया जाए, ऑपरेटिंग चरखा। अब देखिए, चरखा चलाना तो बहुत सारे लोगों को ना, आप देखेंगे सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी में लोगों को यह लगता है कि भला चरखा चलाने से भी कुछ हुआ था, ये क्या फालतू, गांधी जी बड़ो चरखा चलाया करते थे बैठ के। अब ये नादान लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि ऑपरेटिंग चरखा, चरखा चलाना प्रतीकात्मक कार्य था, ये एक सिंबॉलिक एक्ट था, और चरखा चलाने का अर्थ यह था कि हम अपने हाथ से सूत कात करके कपड़ा बना करके पहन लेंगे, लेकिन मैनचेस्टर के कपड़े का अंग्रेजों के फैक्ट्रीज में बने हुए कपड़ों को हम ना तो खरीदेंगे ना पहनेंगे। आधी धोती पहन लेंगे, तन पे कम कपड़ा होगा लेकिन मैनचेस्टर का कपड़ा नहीं होगा। और चरखा चलाना इतना सशक्त कार्यक्रम था उस जमाने में, आज हम लोग 2020 में 21 में बैठ करके ये अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि चरखा चलाना उस वक्त कितना बड़ा काम था। आप इस बात से इसे समझ सकते हैं कि जब 1930 में जब सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट या सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया गया था और उसमें बहिष्कार का कार्यक्रम सम्मिलित किया गया था, तो इतना सशक्त बहिष्कार हुआ था विदेशी वस्त्रों का, इंग्लैंड के कारखानों में बने वस्त्रों और वस्तुओं का, कि इंग्लैंड से इंडिया में जो एक्सपोर्ट होता था ना, इंग्लैंड से इंडिया में जो निर्यात होता था उसको भारतीयों ने बहिष्कार करके आश्चर्यजनक रूप से आधा कर दिया था। आप अंदाजा लगाइए कि इंग्लैंड का इंडिया में होने वाला एक्सपोर्ट आधा गिर गया था, इतना सशक्त कार्यक्रम था चरखा चलाना, है ना। तो ऑपरेटिंग चरखा वॉज अ सिंबल ऑफ सेल्फ रिलायंस, आत्मशक्ति, आत्मनिर्भरता का प्रतीक था चरखा, ठीक है। और लोगों के बीच जाकर के राजनीतिक जागरूकता फैलाना, उन्हें राजनीतिक रूप से जागरूक करना और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना और उनके भागीदारी को सुनिश्चित कराना, एक विकल्प यह था जो गांधी जी और उनके समर्थक किया करते थे। रचनात्मक कार्य बोला गया इसे। एक विकल्प युवाओं के सामने यह था कि वो रचनात्मक कार्य में अपने आप को संलग्न करते। दूसरा विकल्प यह था कि 1922 के आसपास हमारे दो नेताओं, कांग्रेस के ही दो नेताओं, मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने एक नया कार्यक्रम सुझाया, न्यू एक्शन, न्यू प्रोग्राम, एक नया कार्यक्रम सुझाया। इन्होंने कहा कि विधायिकाओं का, जहां कानून बना करते थे केंद्रीय विधायिका, प्रांतीय विधायिका, सेंट्रल लेजिस्लेचर एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, तो केंद्रीय विधायिका और प्रांतीय विधायिकाओं का बहिष्कार बंद किया जाए, बहिष्कार बंद किया जाए, जबकि कांग्रेस बहिष्कार कर रही थी। इन्होंने कहा कि बहिष्कार नहीं करते हैं, चलते हैं चुनावों में भाग लेते हैं, जो कि 1925 में होने वाले थे, उनकी तैयारी करते हैं, चुनावों में भाग लेते हैं और चुन करके हम जाएंगे केंद्रीय विधायिका में और प्रांतीय विधानसभाओं में जाएंगे और वहां अंग्रेजों के सामने अंग्रेजों की बखिया उधेड़ेंगे, उनके आर्थिक कार्यक्रमों की बखिया उधेड़ के रख देंगे। एक राजनीति, एक अलग तरीके की राजनीति जिसे मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने सुझाया, इसमें बहिष्कार को रोकना था, जबकि कांग्रेस ने बहिष्कार का नारा दिया हुआ था तो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा था। तो कांग्रेस ने इस कार्यक्रम को, चूंकि विरोधाभास हो रहा था ना, कांग्रेस भाई बहिष्कार पे जोर दे रही और मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास कह रहे कि बहिष्कार बंद करो और विधायिकाओं में चल के अंग्रेजों के सामने अंग्रेजों की बखिया उधेड़ो, तो अब ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था कांग्रेस के प्रोग्राम ऑफ एक्शन को, बायकॉट को। तो कांग्रेस ने इस प्रोग्राम को अपना शुरुआती दौर में अपना समर्थन नहीं दिया। तो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स इसे कहा गया, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स। तो अब पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स सुझाया तो सही, ठीक है, मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने, लेकिन कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। तो
1922 के गया अधिवेशन, बिहार के गया जिला गया अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने यह तय किया कि वो कांग्रेस पार्टी के अपने अपने पदों से, कांग्रेस से नहीं, कांग्रेस पार्टी के अपने अपने पदों से त्याग पत्र देते हैं. सो व्हेन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स सजेस्टेड बाय मोतीलाल नेहरू एंड सीआर दास, चित्तरंजन दास, वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस, नॉट अडॉप्टेड बाय द कांग्रेस, सो एट गया मीटिंग इन 1922, एमएल नेहरू एंड सीआर दास, दे डिसाइडेड टू रिजाइन फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव पोस्ट्स ऑफ द कांग्रेस, नॉट फ्रॉम कांग्रेस पार्टी बट फ्रॉम रेस्पेक्टिव पोस्ट. एंड एट काकीनाड़ा इन 1923 दे फाउंडेड, दे एस्टैब्लिश्ड अ न्यू पार्टी. तो देखिए ये रिजेक्ट, न्यू प्रोग्राम वॉज रिजेक्टेड बाय आईएनसी, इसे कांग्रेस ने खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया. और जब रिजेक्ट कर दिया तो एमएल नेहरू और सीआर दास ने, इन्होंने अपने पदों से त्याग पत्र दे दिया, दे रिजाइंड फ्रॉम द कांग्रेस आईएनसी एंड एस्टैब्लिश्ड अ पार्टी कॉल्ड स्वराज पार्टी. ठीक है, स्वराज पार्टी. अब यहां ध्यान से एक बात समझिएगा ना कि स्वराज पार्टी की स्थापना का निर्णय 1922 के गया सम्मेलन में लिया गया और स्थापना 1923 में काकीनाड़ा में हुई. इस पे प्रीलिम्स में प्रश्न बन सकता है. ठीक है, स्वराज पार्टी, तो प्रस्ताव 1922 में आया, पार्टी बनी 1923 में, पार्टी काकीनाड़ा में. पार्टी का नाम रखा गया कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, एब्रिविटेड एज स्वराज पार्टी और सिंपली केम टू बी नोन एज स्वराज पार्टी. सो स्वराज पार्टी वॉज एंगेज्ड इन डूइंग पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स. ये पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स या संसदीय राजनीति किया करते थे, लेकिन स्वराज पार्टी की संसदीय राजनीति को भी युवाओं ने क्या कर दिया, खारिज कर दिया, रिजेक्टेड बाय द यूथ्स ऑफ इंडिया. तो अब दो विकल्प था युवाओं के पास, स्वदेश युवाओं के पास असहयोग आंदोलन के वापसी के बाद, कि या तो वह रचनात्मक कार्य में संलग्न हो या फिर स्वराज पार्टी के सदस्यों के जैसे पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के कार्यक्रमों में सम्मिलित हो. और इन दोनों ही विकल्पों को युवाओं ने सिरे से खारिज कर दिया और अपने तरीके की एक रणनीति, यानी कि वॉयलेंट मीन्स ऑफ स्ट्रगल, और हमारे युवा, हमारे क्रांतिकारी वॉयलेंट मीन्स ऑफ स्ट्रगल पे चले गए और अंग्रेजों को मारना शुरू कर दिया, आतंकित करना शुरू कर दिया. और इस बार दो केंद्र बने, हमारे क्रांतिकारियों के दो केंद्र बने. एक केंद्र बना रिवोल्यूशनरीज ऑफ, देखिए रिवोल्यूशनरीज ऑफ पंजाब, यूपी एंड बिहार, और दूसरी तरफ बना रिवोल्यूशनरीज ऑफ बंगाल के. एक केंद्र ये बना, तो दो केंद्र बने. और इस बार हमारे क्रांतिकारी प्रथम चरण की तुलना में ज्यादा संगठित और अधिक सक्रिय थे और सदस्य संख्या भी अधिक थी. तो पंजाब, यूपी और बिहार के क्रांतिकारी एक प्लेटफॉर्म पे आए और उधर बंगाल के क्रांतिकारी एक प्लेटफॉर्म पे आए. ठीक है, पंजाब, यूपी, बिहार के इन क्षेत्रों में हमारे क्रांतिकारियों ने कई गुप्त संगठन बनाए, गुप्त संगठन बनाए, जैसे कीर्ति किसान पार्टी, कीरत से बना हुआ है, कीरत. ठीक है ना, कीरत का मतलब पंजाबी में होता है मजदूर, की मजदूर और किसानों वाली पार्टी. ठीक है, कीर्ति किसान पार्टी. भारत नौजवान सभा का नाम आपने अवश्य सुना होगा, भगत सिंह के द्वारा स्थापित 1926 लाहौर भारत नौजवान सभा. और 1924 में एक पार्टी बनी थी, गुप्त संगठन इनका बना था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन. और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य समाजवादी विचारों के प्रभाव में आए थे. सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी, सोशलिस्टिक आइडियाज, दे चेंज्ड
name of their secret organization from Hindustan Republican Association to Hindustan Socialist Republican Association. Hindustan Socialist Republican Association, 1928, Kotla, Firoz Shah, Delhi. So, at Kotla Firoz Shah in Delhi in 1928, HRA, Hindustan Republican Association of 1924, under the influence of socialistic ideas of its members, came to be called Hindustan Socialist Republican Association. And our revolutionaries, including some less known and some famous revolutionaries like Shiv Verma, Jaydev Kapoor, Sachin Nath Sanyal, Yashpal Chandrasekhar, जिन्होंने अपना कास्ट टाइटल, कास्ट नेम हटा दिया था और आजाद रख लिया था, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद जो कि वास्तव में कवि थे और बिस्मिल उपनाम से कविताएं किया करते थे, राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खान, भगत सिंह और अन्य हमारे क्रांतिकारी, कि ये पंजाब, यूपी और बिहार के कुछ क्रांतिकारियों के नाम हमने यहां पे लिखे, जबकि बंगाल में आप देखेंगे बंगाल के क्रांतिकारियों को संगठित करके एक गुप्त संगठन इंडियन रिपब्लिकन आर्मी बनाने का कार्य सूर्य सेन ने किया, हमारे क्रांतिकारी सूर्य सेन ने किया, जिन्हें लोग मास्टर दा के नाम से भी जानते थे क्योंकि ये स्कूल टीचर थे। और जब गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था तो सूर्य सेन ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की थी। तो ये गांधीवादी थे, वास्तव में प्रारंभिक दौर में ये गांधीवादी थे और अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते पर चलने वाले थे। जबकि जब 5 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय किया और तब सूर्य सेन को यह लगा कि ये अहिंसा के रास्ते पे चल के कुछ खास अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे, उपलब्धि हमारी नहीं हो पाएंगे, उपनिवेशवाद से हम नहीं लड़ पाएंगे अंग्रेजों से, तो उन्होंने अहिंसा का रास्ता छोड़कर हिंसा का रास्ता अपना लिया और बंगाल में क्रांतिकारियों को अपने इर्द गिर्द इकट्ठा करके, एकत्रित करके इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का निर्माण किया, स्थापना की। और इनके सहयोगियों में, सूर्य सेन के सहयोगियों में गणेश घोष, लोकीनाथ पॉल, अनंत सिंह, और खास बात यह देखिए कि लड़कियां भी पीछे नहीं थी क्रांतिकारियों के साथ, पुरुष क्रांतिकारियों के साथ एकदम कदम से कदम मिला करके चल रही थी। और सिर्फ आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, अस्त्र शस्त्र छुपाना और इधर उधर ले जाना ही नहीं, बल्कि गवर्नर्स और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पर गोलियां भी चलाई इन लोगों ने, बीना दास, शांति घोष, सुनीति चौधरी और कल्पना दत्त। ये दो केंद्र बन के उभरे। और अगर हम एक्टिविटीज पे गौर करें इस दूसरे चरण में, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो 1924 में बना था और 1928 में क्या हो गया था, ये HSRA हो गया था। तो 1925 में HRA के सदस्यों ने बेहद साहसिक कदम उठाया और 10 क्रांतिकारियों ने मिलकर एक ट्रेन को रोक लिया, एक डाउन ट्रेन को रोक लिया लखनऊ के पास मलिहाबाद के एक गांव में, काकोरी में एक डाउन ट्रेन रोक दिया और जो रेलवे का ऑफिशियल कैश जा रहा था उसको लूट लिया। इन्हें जर्मन पिस्टल्स खरीदने थे अंग्रेजों को मारने के लिए, पैसा चाहिए था इसलिए यह काम किया गया। और लूट क्या लिया, रेलवे का पैसा, हमारा ही खून चूस के तो अंग्रेज इकट्ठा करते थे, ठीक है ना। तो अब लेकिन अंग्रेजों को ये लगा कि ये तो हमें सीधे चुनौती दे रहे हैं इंडियंस, इनकी इतनी हिम्मत कि डायरेक्ट चैलेंज करें। तो गवर्नमेंट का रिस्पांस बहुत तेज था, बहुत क्विक था और कठोर भी था और जल्दी ही 200 युवाओं को, क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से 4 क्रांतिकारियों को राम प्रसाद, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह, इनको अलग अलग जेलों में फांसी की सजा दे दी गई। सो दे वर हैंग्ड। इसी को हम लोग बोलते हैं काकोरी
ये कहलाता है काकोरी कॉन्स्पायरेसी, अंग्रेजों ने इसे नाम दिया काकोरी कांड कॉन्स्पायरेसी। ओके, और इसके अतिरिक्त एक लाहौर केस हुआ, लाहौर में केस हुआ और इस घटना को अंजाम दिया हमारे अन्य चार क्रांतिकारियों ने, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और राजगुरु। इन्होंने लाहौर के डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जॉन सॉन्डर्स को दिसंबर 1927 में गोली मार दी, हत्या कर दी उसकी। जॉन सॉन्डर्स डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ लाहौर इसलिए मारा क्योंकि जॉन सॉन्डर्स ही लाला लाजपत राय पर ब्रूटल लाठी चार्ज के लिए, निर्ममता पूर्वक लाठी चार्ज के लिए उत्तरदायी था जब लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का, साइमन आयोग का लाहौर में विरोध कर रहे थे, साइमन एजिटेशन में इन्वॉल्व थे, उसी समय लाठी चार्ज हो गया और लाठी चार्ज किया लाला लाजपत राय पर जॉन सॉन्डर्स ने, ठीक है। और उस लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय कुछ दिनों बाद उन चल बसे गुजर गए, उनकी मृत्यु हो गई और भगत सिंह लाला लाजपत राय को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, राजनीतिक गुरु। सो भगत सिंह कंसिडर्ड लाला लाजपत राय हिज पॉलिटिकल मेंटोर। सो इन एन एक्ट ऑफ रिवेंज भगत सिंह अलोंग विथ चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव एंड राजगुरु डिसाइडेड टू किल डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ लाहौर जॉन सॉन्डर्स। वाइल इट इज ऑल्सो सेड दैट दे वॉन्टेड टू किल, एक्चुअली दे वॉन्टेड टू किल एसपी ऑफ लाहौर, ठीक है, मारना ये एसपी को चाहते थे, उसका नाम था स्कॉट, बट मिस्टेकनली जॉन सॉन्डर्स वॉज किल्ड। मारने गए थे स्कॉट को क्योंकि लाठी चार्ज का आदेश एसपी लाहौर स्कॉट ने दिया था, जबकि मारा गया जॉन सॉन्डर्स। तो वास्तव में जॉन सॉन्डर्स के मारे जाने के बाद हमारे क्रांतिकारियों ने, इन लोगों ने अगले दिन पर्चे लगाए दीवारों पर और उन्होंने कहा कि हमें जॉन सॉन्डर्स के मारे जाने का बहुत अफसोस हुआ है, हम उसे नहीं मारना चाहते थे, लेकिन क्या करें, ये जॉन सॉन्डर्स भी उसी तंत्र का हिस्सा था, उसी तंत्र का भाग था जो हमारा भयानक शोषण कर रहा था, जिसने हमें गुलाम बना करके रखा हुआ है, ठीक है। तो अफसोस जाहिर किया कि क्रांतिकारियों ने हमारे कि मारना स्कॉट को चाहते थे, मारा गया था जॉन सॉन्डर्स, तो उस बात का अफसोस जाहिर किया। इसके अतिरिक्त एक अन्य बेहद साहसिक कदम केंद्रीय विधायिका, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है ना, सीएलए, ठीक है, तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली सीएलए ने 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्ता, इन दो क्रांतिकारियों ने केंद्रीय विधायिका में बम फेंके और बम इस तरह से बनाए गए थे कि किसी को मारने का उद्देश्य नहीं था बल्कि बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाका करने की जरूरत थी। क्यों धमाका करने की जरूरत थी और क्या सुनाना था, यह सुनाना था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दो विधेयक पास करने जा रही थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज गोइंग टू पास टू बिल्स टू लिमिट सिविल लिबर्टीज, दो विधेयक पास पारित करने वाली थी और उन विधेयकों के बहाने से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारतीयों के नागरिक अधिकारों का हनन करने जा रही थी, प्रतिबंध लगाने जा रही थी, इसी बात का विरोध करना था। और दो बिल जिसका विरोध करना था, पहला बिल जिसे पब्लिक सेफ्टी बिल कहा गया, नाम दिया गया, और दूसरा ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल, ठीक है ना, तो पब्लिक सेफ्टी बिल्स एंड ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल। सो इन द नेम ऑफ
in the name of passage of these two bills, the government was aiming at limiting civil liberties. ठीक है, तो इन दो विधेयकों पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल के बहाने से ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारतीयों को और विशेषकर मजदूरों के ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल के बहाने मजदूरों को हड़ताल वगैरह करने का अधिकार छीना जाने वाला था, तो सिविल लिबर्टीज पे प्रहार करने जा रही थी गवर्नमेंट और इसी बात का इंडियंस विरोध कर रहे थे, लेकिन सरकार सुन ही नहीं रही थी, सरकार के कानों पर जू भी नहीं रेंग रही थी, तो बहरी हो गई थी सरकार, सुन ही नहीं रही थी विरोध, और बहरी सरकार को सुनाने के लिए थोड़ा तेज धमाका करना था, तो इसीलिए भगत सिंह और बीके दत्ता ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। बम फेंकने के बाद भगदड़ मची तो वो वहां से आसानी से भाग सकते थे, लेकिन वो लोग भागे नहीं, दोनों क्रांतिकारी वहीं खड़े रहे, पैम्फलेट्स फेंके, पर्चे बांटे और अपनी विचारधारा से लोगों को अवगत कराया। सो दे मेड देमसेल्व्स अरेस्टेड, दे मेड देमसेल्व्स अरेस्टेड, उन्होंने अपने आप को गिरफ्तार करवाया, क्यों? बिकॉज दे वॉन्टेड टू यूज ट्रायल रूम एज द सेंटर टू स्प्रेड देयर रिवोल्यूशनरी थॉट्स। तो इन्होंने खुद को गिरफ्तार करवाया, क्रांतिकारियों ने, इन दोनों क्रांतिकारियों ने स्वयं को गिरफ्तार करवाया, भगत सिंह और बीके दत्ता ने गिरफ्तार करवाया, और इसलिए भी गिरफ्तार करवाया, जबकि भागना चाहते तो आसानी से भाग सकते थे, लेकिन इन्हें पता था कि पकड़े जाएंगे तो इन पे मुकदमा चलेगा, और जब इन पे मुकदमा चलेगा, सुनवाई होगी, तो ये सॉरी ट्रायल रूम का इस्तेमाल करेंगे, कोर्ट रूम का इस्तेमाल करेंगे और अपने विचारधारा से लोगों को अवगत कराएंगे, दुनिया भर को बताएंगे कि उनकी विचारधारा क्या है ना। तो जब जब मुकदमा चलता इन लोगों पे, तो ये लोग नारे बुलंद करते, और नारों में क्या नारे लगाते थे कि लॉन्ग लिव द रिवोल्यूशन, क्रांति अमर रहे, ठीक है ना, इसी को हम लोग कहते हैं इनकलाब, जिंदाबाद, ठीक है ना, इनकलाब जिंदाबाद, लॉन्ग लिव द रिवोल्यूशन, डाउन डाउन इंपीरियलिज्म, ठीक है ना, डाउन डाउन इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद, क्षेत्र विजय, लोगों का शोषण करना, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, ठीक है, वंदे मातरम इनका सैल्यूट होता था, नमस्ते वगैरह सलाम ये सब नहीं करते थे, वंदे मातरम सीधे क्रांतिकारियों का सैल्यूट था, तो लॉन्ग लिव द रिवोल्यूशन, डाउन डाउन द इंपीरियलिज्म, वंदे मातरम, मेरा रंग दे बसंती चोला, है ना, इस तरीके की के गीत और स्लोगन्स दे करके इन्होंने सैकड़ों हजारों भारतीयों को अंदर से झकझोर दिया था, क्या बच्चा बूढ़ा और क्या जवान, स्त्री पुरुष सब, ओके, और इन्होंने धार्मिक नारों, इस बात को बढ़िया से समझिएगा, धार्मिक नारों से परहेज किया, दे नेवर शाउटेड, दे नेवर रेज्ड रिलीजियस स्लोगन, तो ये लोग ना सेक्युलर, ठीक है ना, धर्म, इनका चरित्र धर्म निरपेक्ष होता था,
धर्म निरपेक्ष होता था, जबकि ये लोग धर्म वगैरह को ज्यादा महत्व नहीं देते थे, आजादी और इस तरह की चीजों पे ज्यादा महत्व दे रहे थे, तो धार्मिक नारों से इन्होंने परहेज किया था। तो ये गीत राष्ट्रवादी गाते थे और धार्मिक गीतों गानों से अपने आप को अलग रखा करते थे। तो सेक्युलर क्रेडेंशियल्स इन लोगों ने फॉलो किया था, ये खास बात, ठीक है ना। तो ये तीन केस मैंने आपको यहां पे बताया। अब देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, भगत सिंह, ठीक है, भगत सिंह दो केस में इन्वॉल्व है, अंग्रेजों के हिसाब से दो केस में इन्वॉल्व, एक यहां पर असेंबली बॉम्ब केस में, ठीक है, और दूसरा लाहौर कॉन्स्पायरेसी केस में। जबकि लाहौर कॉन्स्पायरेसी केस में जॉन सॉन्डर्स का मर्डर हुआ था और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्ब केस में कोई मर्डर नहीं हुआ था। तो भगत सिंह और लाहौर कॉन्स्पायरेसी केस में भगत सिंह के साथ तीन लोग और थे, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और राजगुरु, जिनमें से चंद्रशेखर आजाद की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। इन्होंने पहले ही कहा था कि आजाद हूं, आजाद रहूंगा, अंग्रेजों के हाथ जीते जी नहीं आऊंगा। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर जॉन सॉन्डर्स के हत्या का मुकदमा चला। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, जबकि बटुकेश्वर दत्ता, बीके दत्ता, ठीक, बीके दत्ता असेंबली बॉम्ब केस में है शामिल, असेंबली बॉम्ब केस में, लेकिन बीके दत्ता लाहौर कॉन्स्पायरेसी केस में नहीं। तो बीके दत्ता को, यानी कि बटुकेश्वर दत्ता को फांसी की सजा नहीं सुनाई गई और इन तीन लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई मुकदमा चलने के बाद। और 23 मार्च 1931 को इन लोगों को फांसी दे दी गई और हमेशा हमेशा के लिए हमारे ये क्रांतिकारी शहीद हो गए। शहादत, शहादत मिली, अदम्य वीरता, शूरवीरता, साहस, त्याग और बलिदान का परिचय दिया और ये हमारे नेशनल हीरोज, हमारे राष्ट्रीय हीरो ने, जिन्होंने अपने वतन से रोमांस किया, अपने वतन से मोहब्बत की। रोमांटिक मूवमेंट इसी को बोला जाता है, रोमांटिसिज्म, रोमांटिक मूवमेंट, रोमांस विद द मदरलैंड, रोमांस विद योर नेशन, ठीक है। तो ये एक हमारे डिस्कशन का, हमारे आज की चर्चा का ये एक पार्ट था, एक हिस्सा था, ठीक है। एक हिस्सा क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रथम चरण और द्वितीय चरण, ये हमने डिस्कस किया। ये रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म, ठीक है ना, रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म एंड पॉलिटिक्स ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ठीक है, इसका फ्रेमवर्क हम लोग बनाते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, इसका फ्रेमवर्क हम लोग तैयार करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की राजनीति, यानी कि 1914 से 1918 के मध्य भारत में जो भी राष्ट्रवादी गतिविधियां हुई उन पर प्रथम विश्व युद्ध का असर पड़ा, इसीलिए हम लोग उन सारी गतिविधियों को सम्मिलित रूप से किसमें काउंट कर लेते हैं, किसमें रख लेते हैं, पॉलिटिक्स ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में। अब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध, इसे हम लोग
वर्ल्ड हिस्ट्री विश्व इतिहास में पढ़ते हैं, अलग से पढ़ेंगे, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आप देखेंगे 1914 से 1918 के बीच में जो चला, इसमें एक तरफ क्वाड्रपल अलायंस था जिन्हें चतुष्पक्षीय संधि जिसमें जिन्हें या जिन्हें सेंट्रल पावर्स कहा जाता था, क्वाड्रपल अलायंस ऑफ द सेंट्रल पावर्स, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की और बल्गेरिया शामिल थे। दूसरी तरफ त्रिपक्षीय संधि ट्रिपल अलायंस या त्रिपक्षीय संधि थी और इन्हें कहा जाता था अलाइट फोर्सेस, अलाइट पावर्स, और इनमें इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, सर्बिया, ठीक, दो गुट, और ये दो गुट लड़े 1914 से 1918, बीच में 1917 में रूस में क्रांति हो गई और रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर आ गया। जबकि प्रथम विश्व युद्ध से रूस जब बाहर हुआ तो इंग्लैंड और फ्रांस की मदद करने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पहुंचता है। अमेरिका के शामिल होने से अलाइड फोर्सेस का पलड़ा अचानक से भारी हो जाता है और सेंट्रल पावर्स की पराजय होती है। सेंट्रल पावर्स वर डिफीटेड, केंद्रीय शक्तियों की पराजय हुई। हमें यह नहीं पढ़ना है फिलहाल, हमें यह देखना है कि जो भी चल रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय 1914 से 1918 के मध्य हमारे देश में राष्ट्रीय आंदोलन में दो तरीके की गतिविधियां देखने को मिली, एक देश में और देश के बाहर, आउट ऑफ इंडिया एंड इन इंडिया। आउट ऑफ इंडिया में हमें देखने को मिला एक बड़ा आंदोलन जो न्यूज़पेपर पे ज्यादा था, धरातल पर कम था, ठीक है, गदर मूवमेंट, गदर आंदोलन 1913-1914, ठीक है। गदर आंदोलन ये हिंसात्मक था, ठीक है ना, वायलेंट मीन्स ऑफ स्ट्रगल था, और हिंसात्मक तरीके से भारत से अंग्रेजों को बाहर निकालने का प्रयास था, ठीक है ना, और वो भी कहां से, वो भी अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका के पश्चिमी तट से, वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट से, ठीक है ना, वहां से प्रयास कर रहे थे कुछ लोग, और जिनका नेतृत्व किया लाला हरदयाल, राजनीतिक निर्वासन का जीवन बिता रहे थे अमेरिका में, और वहां पे उन्होंने कुछ भारतीयों को इकट्ठा किया, लामबंद किया कि वहां से हम लोग एफर्ट लगाएंगे और भारत में पंजाब के लोगों की मदद से अंग्रेजों का तख्ता पलट कर देंगे, उन्हें भारत से मार भगाएंगे। तो एक ये मूवमेंट आउटसाइड इंडिया, और एक अफगानिस्तान में प्रतीकात्मक तौर पर, एज अ सिंबॉलिक एक्ट, ठीक है ना, प्रतीक के तौर पर था कि दो क्रांतिकारियों ने, महेंद्र प्रताप और
बरकतुल्ला, ठीक है, महेंद्र प्रताप और बरकतुल्ला ने, इन्होंने एक अंतरिम सरकार की स्थापना की, प्रतीकात्मक मैंने कहा प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें महेंद्र प्रताप ने कहा कि वो उस अंतरिम सरकार के प्रोविजनल गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट है और बरकतुल्ला प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, सुनने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से ही सही, कम से कम इन्होंने कुछ तो किया, एटलीस्ट यहां पे हाथ धरे बैठे तो नहीं थे, वो भी अफगानिस्तान, अफगानिस्तान वहां से प्रयास कर रहे थे, तो बड़ी बात है ना। और भारत में उस वक्त एक आंदोलन चलाया गया, उस और उस आंदोलन का नेतृत्व दो राजनेताओं ने किया, पहले जिनमें थे बाल गंगाधर तिलक और दूसरे श्रीमती एनी बेसेंट, और आंदोलन को बोला गया होम रूल लीग आंदोलन, होम रूल लीग मूवमेंट 1916 से 1918 के बीच एक ये देखने को मिली बड़ी गतिविधि, और इसी बीच 1916 का लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1916 में लखनऊ में आयोजित कराया गया वार्षिक अधिवेशन, जो ऐतिहासिक अधिवेशन साबित हुआ। दिस प्रूव टू बी अ हिस्टोरिक एक्ट ऑन अकाउंट ऑफ टू फैक्टर्स, फर्स्ट वन वाज़ द रीयूनियन ऑफ मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट, एंड अनदर वन वाज़ अ पैक्ट साइंड बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो ये जो भी गतिविधियां हुई ना, इन्हीं गतिविधियों को हम लोग आमतौर पे क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट बोलते हैं। ठीक है, और प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो गदर आंदोलन और होम रूल लीग आंदोलन और 1916 का ऐतिहासिक लखनऊ सेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं खासकर प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम लोग पहले लखनऊ सेशन को देखें, लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1916, चूंकि ऐतिहासिक रहा है इसलिए, और इसकी अध्यक्षता के प्रेसिडेंट थे इसके अंबिका चरण मजूमदार, प्रेसिडेंट अंबिका चरण मजूमदार। इसमें दो बड़े काम हुए, पहला बड़ा काम हुआ रीयूनियन, रीयूनियन ऑफ मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट। तो नरमपंथियों एवं गरमपंथियों में भरत मिलाप हो गया, यानी कि बिछड़े भाई पुनः मिले, एक ये हुआ। और दूसरा बड़ा काम हुआ था कांग्रेस लीग समझौता, कांग्रेस लीग पैक्ट, कांग्रेस लीग समझौता। अब हमें यहां पे आप लिख सकते हैं कांग्रेस लीग समझौता। ठीक है, अभी खास बात यह देखिए कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट,
अभी इस पे हम लोग आते हैं कांग्रेस लीग समझौता पे। पहले देखते हैं मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स। तो मॉडरेट्स यानी कि नरमपंथी, नरमपंथियों को क्या लगा और गर्मपंथियों को क्या महसूस हो रहा था। गर्मपंथी, ठीक है, नरमपंथियों को एक बात समझ में आ रही थी कि जो उनका सामाजिक आधार था, जो उन्हें हजारों लोगों का समर्थन प्राप्त होता था, वो नरमपंथियों के कारण नहीं प्राप्त होता था। नरमपंथियों को जो जन समर्थन मिलता था वो इसलिए क्योंकि गर्मपंथी उनके साथ होते थे। तो लाल बाल पाल और अरविंदो घोष को जन समर्थन हासिल था, जिसके कारण नरमपंथियों को भी जन समर्थन हासिल हो जाता था, प्राप्त हो जाता था। अन्यथा नरमपंथी जनमानस के मध्य अधिक लोकप्रिय नहीं होते थे। तो इनको यह समझ में आया कि ये अपना सामाजिक आधार विस्तृत करना चाह रहे थे। ठीक है ना, ये अपना सामाजिक आधार विस्तृत करना चाहते थे। दे wanted to broaden their gradually declining social base। ये अपना सामाजिक आधार विस्तृत करना चाहते थे जो लगातार कम होता गया था, जो लगातार कम होता गया था, वो खासकर 1907 के सूरत विभाजन के बाद, स्पेशली आफ्टर सूरत स्प्लिट। तो सूरत विभाजन 1907 के सूरत विभाजन के बाद जब नरमपंथियों ने गर्मपंथियों को बाहर निकाल दिया था कांग्रेस से, तो उनको 1907 से 1916 के बीच यह समझ में आ गया कि उनका सामाजिक आधार लगातार कमजोर होता गया था और वे अब अपना सामाजिक आधार जनता में अपनी पकड़, अपनी लोकप्रियता बढ़ाना चाहते थे, जो कि बिना गर्मपंथियों के साथ लिए मुमकिन नहीं थे। Okay, एक कारण ये, और दूसरा 1909 का मॉर्ले मिंटो सुधार। ठीक है, 1909 मॉर्ले मिंटो सुधार जारी किए गए थे और इसी को बोलते हैं हम लोग इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, भारत परिषद अधिनियम 1909। ठीक है, तो मॉडरेट्स या नरमपंथी नेता, अब मैंने आपको बताया था पहले भी के लेक्चर्स में भी बताया कि पॉलिटिक्स ऑफ द मॉडरेट्स वॉज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट दे वुड बी एबल टू कन्विंस द ब्रिटिशर्स to get some constitutional concessions and reforms। तो इनके राजनीति का एक आधार यह था कि यह मानते थे कि अंग्रेजों को समझा बुझा करके उनसे संवैधानिक रियायतें प्राप्त की जा सकती हैं। लेकिन इसमें मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में उनकी आंखें खुल गई। ठीक है ना, तो अंग्रेजों से उनका मोहभंग हुआ। क्यों मोहभंग हुआ? मोहभंग इसलिए हो गया क्योंकि चॉकलेट चाहिए था 100 रुपए वाला, मिला 10 रुपए वाला लॉलीपॉप, पकड़ा दिया, अंग्रेजों ने बेवकूफ बना दिया। यानी कि ज्यादा संवैधानिक रियायतें चाहिए थी और जितनी चाहिए थी उसका 1/10 मिला, तो इन्हें बड़ा धक्का पहुंचा। इन्हें लगा कि अरे बताओ, हम लोग तो सोच रहे थे कि अंग्रेज तो हमारे बड़े भले लोग हैं, इनको कन्विंस करेंगे तो ये मान जाएंगे, ये तो माने ही नहीं, तो इनको धोखा फील हुआ, मोहभंग महसूस हुआ। तो इसलिए भी ये
अब नरमपंथी लोग गर्मपंथियों को साथ लेना चाहते थे। दूसरी तरफ गर्मपंथियों के दिमाग में क्या चल रहा था कि ये लोग कांग्रेस के बाहर थे, तो इन्हें यह समझ में आ गया कि कांग्रेस के बाहर की गई राजनीतिक गतिविधियों का अधिक महत्व नहीं था। कांग्रेस के बाहर की गई राजनीतिक गतिविधियों का अधिक महत्व नहीं था क्योंकि कांग्रेस ही राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। ये बात इन्हें समझ में आ गई, ठीक है ना। सो दे क्लियरली अंडरस्टूड द फैक्ट दैट आईएमसी वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज द रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द नेशनल मूवमेंट, रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द नेशनल मूवमेंट एंड एनी पॉलिटिकल एक्टिविटी आउटसाइड द कांग्रेस वॉज वर्थ नथिंग। ये बात ये समझ गए थे गर्मपंथी कि बिना कांग्रेस में सम्मिलित हुए उनके द्वारा आयोजित की गई राजनीतिक गतिविधियों का अधिक मोल अधिक महत्व नहीं होगा, अतः उन्हें कांग्रेस का प्लेटफॉर्म चाहिए ही चाहिए था। एक ये, और दूसरा ये भी कि नरमपंथी गर्मपंथियों के लिए सुरक्षात्मक कवच की भांति कार्य करते थे। कि ये कई बार ना नरमपंथी लोग अंग्रेजों के सामने हाथ पर जोड़ करके गर्मपंथियों को बचा लिया करते थे, वरना अंग्रेज बहुत पीटते ही हैं। तो नरमपंथी हाथ पैर जोड़ करके गिड़गिड़ा करके अनुनय विनय करके कि जाने दीजिए माई बाप बच्चे हैं अभी नए हैं गर्म खून है माफ कर दीजिए, ऐसे करके इन्हें बचा लेते। तो धीरे धीरे इन्हें यह बात समझ में आ गई कि मॉडरेट्स एक्टेड एस द अम्ब्रेला ऑफ प्रोटेक्शन, सुरक्षात्मक आवरण की तरह काम कर रहे हैं। तो इसी वजह से 1916 के लखनऊ वार्षिक अधिवेशन में रीयूनियन हो गया मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का। दूसरी तरफ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हस्ताक्षर हुआ। तो कांग्रेस लीग कांग्रेस लीग पैक्ट, ठीक है। तो कांग्रेस लीग पैक्ट में कि कांग्रेस का क्या स्टैंड था, और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग क्या सोच रही। कांग्रेस को एक बात समझ में आई कि हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करना बेहद जरूरी था राष्ट्रीय आंदोलन के लिए, ठीक है। तो कांग्रेस wanted to take the help of League to strengthen the Hindu Muslim unity, ठीक है।
दूसरी तरफ एक फैक्टर तो ये, दूसरा ये कि कांग्रेस ये भी साबित करना चाहती थी कि यूनिटी ऑफ ऑल द इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज, कि समस्त भारतीय राजनीतिक दल एक थे और अंग्रेज उन्हें तोड़ नहीं सकते थे, ऐसा कांग्रेस दिखाना चाह रही थी, यूनिटी ऑफ ऑल द इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग, तो कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग, कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को बदले में क्या दिया, तो मुस्लिम लीग के लिए कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया, आईएनसी या कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया, और सबसे बड़ी गलती संभवतः अपने इतिहास की होगी उस जमाने में, कांग्रेस ने एक्सेप्टेड सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोविजन फॉर द मुस्लिम्स गिवन टू देम बाय मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। कांग्रेस ने मुसलमानों को दिए गए पृथक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया, कांग्रेस ने मॉर्ले मिंटो सुधारों के द्वारा मुसलमानों को दिए गए पृथक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया, और यह बहुत बड़ी गलती थी। कैसे बहुत बड़ी गलती थी, देखिए पृथक निर्वाचन प्रणाली, जब भी यहां पे लिखा हुआ सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोविजन और पृथक निर्वाचन प्रणाली, तो इसका मतलब यह हुआ कि कुछ सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व रहेंगी। इससे दिक्कत नहीं थी कि कुछ सीटें मुसलमानों के लिए विधानसभाओं में रिजर्व कर दी जाएंगी, दिक्कत इस बात से थी जो कांग्रेस ने गलती की, यह था कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट के स्थान पर सेपरेट इलेक्टोरेट होगा, यानी कि मुसलमानों के लिए रिजर्व की गई, सुरक्षित की गई सीटों पर वोट देने का अधिकार भी उस विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ मुसलमानों को होगा और बाकी लोग वोट नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो कांग्रेस को सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोविजन नहीं एक्सेप्ट करना था कांग्रेस को, बल्कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट पे इंसिस्ट करना चाहिए था, लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता की वजह से कांग्रेस ने यह सोचा कि चलो जाने दो, सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोविजन एक्सेप्ट कर लेते हैं, पृथक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लेते हैं, जबकि यह बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि इससे सांप्रदायिकता को आगे बढ़ने का, सर उठाने का थोड़ा मौका जरूर मिला होगा। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग को बेनिफिट मिला, ओके, और मुस्लिम लीग ने सेपरेट इलेक्टोरेट स्वीकार कर लिया, इससे तो मुस्लिम लीग को ही फायदा मिलना था, और इधर लेकिन मुस्लिम लीग इस बात के लिए भी तैयार हो गई कि लीग वॉज रेडी टू रेज दे डिमांड ऑफ स्वराज अलोंगसाइड द कांग्रेस पार्टी, कि मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ मिलकर के स्वराज की मांग को मजबूत करेगी, ठीक है ना। हालांकि यह एकता ज्यादा दिन तक नहीं चली, 1920 के असहयोग आंदोलन के समय आते आते यह एकता खत्म होने लगी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग अलग राह पर फिर से चले गए थे, ठीक है। तो इसका बड़ा घाटा यह हुआ, पृथक निर्वाचन, कांग्रेस ने जो ये सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोविजन एक्सेप्ट किया ना, इसका बड़ा घाटा यह हुआ कि
अन्य जो माइनॉरिटीज थे, अदर माइनॉरिटीज, दे ऑल्सो लाइक सिख, ठीक है ना, दे ऑल्सो रेज दलित्स, डिप्रेस्ड क्लासेस ऑफ कास्ट हिंदूज, दे ऑल्सो रेज देयर वॉइस इन फेवर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोविजन, कि भाई हमें भी दिया जाए। तो ऐसे में तो ये प्रॉब्लम था, ये अपने आप में बड़ी गलती थी कांग्रेस की तरफ से, पृथक निर्वाचन प्रणाली, ठीक है, ये घटना घटी। तो इसी वजह से देखिए कहा जाता है कि लखनऊ सेशन 1916 का, कांग्रेस का लखनऊ वार्षिक अधिवेशन एक ऐतिहासिक अधिवेशन साबित हुआ था, लखनऊ सेशन ऑफ द कांग्रेस 1916 proved to be a historic session which was presided over by Ambikacharan Majumdar and known for reunion of moderates and extremists and Congress Muslim League pact. इसके अतिरिक्त होम रूल लीग मूवमेंट, ठीक है, यह भी विश्व युद्ध के दौरान ही चला, होम रूल लीग मूवमेंट 1916 से 1918, 1916 से 1918, ठीक है। तो होम रूल लीग मूवमेंट यहां पर यह किससे इंस्पायर्ड था, आयरलैंड्स डिमांड ऑफ होम रूल फ्रॉम इंग्लैंड, आयरलैंड्स डिमांड ऑफ होम रूल फ्रॉम इंग्लैंड, जैसे आयरलैंड ने इंग्लैंड से होम रूल की मांग की थी, उसी तर्ज पर यह मांग रखी गई थी। और आयरलैंड दरअसल व्हाइट कॉलोनी था, व्हाइट कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश, ठीक है, आयरलैंड श्वेत उपनिवेश था, जबकि इंडिया, वेस्ट इंडीज वगैरह, इसको क्या बोलते थे, एशियन कॉलोनीज को लोग ब्लैक कॉलोनी बोलते थे, और व्हाइट कॉलोनी को ब्लैक कॉलोनी की तुलना में ज्यादा ऑटोनॉमी या ज्यादा स्वायत्तता दी जाती थी। तो व्हाइट कॉलोनी को ज्यादा ऑटोनॉमी मिलती थी, ज्यादा राइट्स मिलते थे, ब्लैक कॉलोनीज को कम मिलते थे। और इंडिया चूंकि ब्लैक कॉलोनी डिक्लेयर किया गया था, तो हमने डिमांड रखा कि हमें भी वैसे ही अधिकार दिए जाएं जैसा कि आयरलैंड को प्राप्त हुआ है इंग्लैंड से। तो आयरलैंड में होम रूल लीग मूवमेंट चला था, उससे इंस्पायर्ड होकर के वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे इंडिया में यह होम रूल लीग मूवमेंट चलाया गया। एक तरफ बाल गंगाधर तिलक का होम रूल लीग और दूसरी तरफ श्रीमती एनी बेसेंट का होम रूल लीग, ठीक है, अलग अलग। अब एक सवाल यहां पे उठता है कि बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट, इन दोनों नेताओं ने होम रूल लीग आंदोलन अलग अलग क्यों चलाया, एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर एक एकीकृत होकर के ये आंदोलन क्यों नहीं चलाया। तो ये ऐसा इसलिए करना पड़ा इन नेताओं को क्योंकि तिलक के कुछ समर्थक एनी बेसेंट को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि एनी बेसेंट आयरलैंड की थी, तो उन पे कभी कभार कुछ लोग शक करते थे। तो तिलक के कुछ समर्थकों को बेसेंट पसंद नहीं थी और बेसेंट के कुछ समर्थकों को तिलक पसंद नहीं थे। इसी वजह से कि कार्यकर्ता लोग, समर्थक लोग आपस में ना भिड़ जाएं, दोनों ने यह निश्चय किया कि क्षेत्र बांट लेते हैं और क्षेत्रों को बांटने के बाद होम रूल लीग आंदोलन का प्रारंभ किया जाएगा। तो बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग आंदोलन का प्रारंभ किया 28 अप्रैल 1916, पुणे में हेडक्वार्टर बनाया गया, पुणे में हेडक्वार्टर बना, ठीक है, और प्रेसिडेंट बने एनसी केलकर, नहीं, जोसेफ बैप्टिस्ट, जोसेफ बैप्टिस्ट एनसी केलकर सेक्रेटरी, ठीक है ना,
दो न्यूज़पेपर्स के माध्यम से इसकी शुरुआत हुई, जिसमें दोनों ही न्यूज़पेपर का संपादन बाल गंगाधर तिलक किया करते थे, केसरी जो कि मराठी में और मराठा इंग्लिश में छपता था। और एरियास, मैंने कहा ना कि दोनों राजनेताओं ने अपना अपना क्षेत्र बांट करके यह आंदोलन चलाया, तो तिलक का होम रूल महाराष्ट्र, बॉम्बे को छोड़ करके, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में होम रूल लीक एनी बेसेंट का था, शहरी क्षेत्रों में एनी बेसेंट का होम रूल लीक था, इसी वजह से पूरा महाराष्ट्र लेकिन बॉम्बे छोड़ करके, कर्नाटका सेंट्रल प्रोविंस जिसे मध्य प्रदेश कहा गया बाद में, सेंट्रल प्रोविंस और हैदराबाद के पास का एक क्षेत्र बरार, तो महाराष्ट्र एक्सेप्ट बॉम्बे, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, ये। और दूसरी तरफ एनी बेसेंट का होम रूल लीग थोड़ा बाद में चला, ये सितंबर में लॉन्च किया गया, तो और हेडक्वार्टर मद्रास के निकट अडयार में बनाया गया, अडयार नियर मद्रास हेडक्वार्टर बनाया गया, और प्रेसिडेंट जॉर्ज अरुंडेल बने, प्रेसिडेंट जॉर्ज अरुंडेल बने, और एरियास बॉम्बे एंड रेस्ट ऑफ इंडिया, तिलक के होम रूल लीग के क्षेत्रों को निकाल दे तो बाकी सब एनी बेसेंट के पास, बॉम्बे एंड रेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो इन्होंने एनी बेसेंट ने 5 महीने ज्यादा लिए बाल गंगाधर तिलक से, 5 महीने ज्यादा लिए होम रूल लीग आंदोलन को प्रारंभ करने का। ऐसा इसलिए कि ये चाहती थी कि ये आंदोलन कांग्रेस प्रारंभ करे, तो शी वॉन्टेड टू प्रोवाइड द कांग्रेस अ चांस टू लॉन्च होम रूल लीग मूवमेंट। शी वॉन्टेड टू प्रोवाइड द कांग्रेस पार्टी अ चांस टू लॉन्च द होम रूल लीग मूवमेंट फ्रॉम इट्स ओन प्लेटफॉर्म। बट वेन इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज नॉट ready to do so, eventually she launched her leak, okay, so when INC was not ready to launch this program of home rule league, so then she finally launched her league in the month of September 1916. तो एनी बेसेंट होम कांग्रेस पार्टी को 5 महीना देना चाहती थी, 4-5 महीना कि कांग्रेस पार्टी तैयार हो जाए होम रूल लीग आंदोलन को लॉन्च करने का, तो उसका ज्यादा असर होगा। लेकिन कांग्रेस दरअसल अपने कंफर्ट जोन से अब बाहर नहीं निकलना चाह रही थी, ठीक है, और अभी गर्मपंथी भी वापस नहीं जा पाए थे, तो लखनऊ सेशन लास्ट में 1916 के लास्ट में शामिल किए गए, तो इस वजह से ये दिक्कतें हुई। तो और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग लीग आंदोलन लॉन्च करने का उद्देश्य यह था कि कार्यकर्ताओं में आपसी कोई मुठभेड़ वगैरह, लड़ाई झगड़ा झड़पना होने लगा, तो दे अवॉइडेड फ्रिक्शन, they avoided friction among the supporters or
workers by demarcating their areas of work, by demarcating their areas of work. Okay, or either any patient ने दो न्यूज़पेपर्स के माध्यम से कार्यक्रम शुरू किया, एक था न्यू इंडिया और दूसरा कॉमनवेल्थ, ठीक है, यंग इंडिया, महात्मा गांधी उसमें लेख लिखा करते थे, न्यू इंडिया एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, ठीक है। तो ये होम रूल लीग आंदोलन, ये भी पॉलिटिक्स ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में ही आता है। और इधर दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो हिंसात्मक वारदातें हुई, इसको पहले जो हम लोगों ने पढ़ा, ये उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट, लाला हरदयाल, जिन्होंने गदर आंदोलन का नेतृत्व किया था, जो राजनीतिक, जो अमेरिका में राजनीतिक निर्वासन का जीवन व्यतीत कर रहे था, वहां पे कर रहे थे, अमेरिका में राजनीतिक निर्वासन का जीवन व्यतीत कर रहे थे, ठीक है। तो और वैसे भी देखिएगा ना कि जो गदर आंदोलन था, ये गदर साप्ताहिक समाचार पत्र के इर्द गिर्द ज्यादा चल रहा था और धरातल पर कम चल रहा था, जो इसकी असफलता का बड़ा कारण बना, ठीक है। तो रेगुलर क्लासेस में जो हम लोग पढ़ रहे होते हैं, तो इसमें थोड़े से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को आप लोग और डालिएगा, मैंने एक फ्रेमवर्क आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट डिस्कशन में हम लोग अब गांधीयन मूवमेंट पे चर्चा करेंगे, गांधीवादी आंदोलनों पर चर्चा कर रहे होंगे, विशेषकर असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, जहां से आपको प्रीलिम्स और मेंस में प्रश्न जरूर मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।